नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्याय 4 का भाग 2 पढ़ेंगे। कवि है जयशंकर प्रसाद। बच्चों, वीडियो के प्रथम भाग में हमने इस कविता का सार पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस कविता के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें। प्रश्न 1, कवि जयशंकर प्रसाद थे। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला है कवि, दूसरा गद्यकार, तीसरा दोनों, चौथा दोनों नहीं। बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी कविता और गद्य दोनों लिखते थे, इसलिए सही उत्तर है दोनों। प्रश्न 2, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे? उत्तर है, कवि के अनुसार उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति जैसा था, उसमें कोई विशेषता नहीं थी जिसे वे आत्मकथा के रूप में लिख सके, इसलिए वे अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। प्रश्न 3, प्रसाद जी की प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है, कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना आदि। ये प्रसाद जी की कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। प्रश्न 4, आत्मकथा सुनाने का अभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, कवि के अनुसार उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति जैसा था, उसके कोई विशेषता नहीं थी जिसे वे आत्मकथा के रूप में लिख सके, इसलिए कवि ने कहा कि अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं है। प्रश्न 5, कवि प्रसाद के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। उत्तर है, प्रसाद जी का व्यक्तित्व सादगीपूर्ण था, इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, काल्पनिकता, प्रकृति प्रेम
और देश प्रेम उनकी कविताओं की विशेषताएं हैं। प्रश्न 6, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? बच्चों, उत्तर है, कवि अपने जीवन की मीठी यादों को अपना साथी अर्थात पाथे हम सफर बनाना चाहते थे। उनके अनुसार उनके मन में आगे बढ़ने का उत्साह समाप्त हो गया था, इसलिए वे अपनी पुरानी यादों के साथ जीना चाहते थे। प्रश्न 7, आत्मकथ्य कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, प्रसाद जी के अनुसार यह जीवन नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कविता में उन्होंने जीवन के यथार्थ एवं अभावों को बताया है। कवि के अनुसार उनके मन में आगे बढ़ने का उत्साह समाप्त हो गया है, इसलिए वे अपने जीवन की मीठी यादों को अपना हम सफर बनाना चाहते हैं। प्रसाद जी का कहना है कि उनके जीवन में कोई विशेष घटनाएं नहीं हैं, अर्थात वे इतने प्रसिद्ध नहीं हैं कि अपने जीवन की कथा लिख सके। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।